क्या आपने कभी एक ऐसी तितली को देखा है जो कि एक पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है? और क्या आपने कभी ऐसे फिश को देखा है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और इसी के साथ ही साथ वो मिट्टी में ऐसे छुप जाती है जिसे देख पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 ऐसे इनविजिबल एनिमल्स और इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। नंबर 10 पर है लैप्टोसिफिलिस। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मछली जब अंडे देती है तो उन अंडों में से बस कुछ बच्चे ही सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि बाकी के बच्चों को कोई और मछलियां या दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं। लेकिन लैप्टोसिफिलिस समुद्र का एक ऐसा जीव है जो कि खुद को छिपाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। ये जीव देखने में बिल्कुल मछली की तरह लगता है, लेकिन ये कोई मछली नहीं है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समुद्री जीवों से बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे 3 महीने तक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जब ये 3 महीने बाद इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये एक ऐसे सर्वाइवल टेक्निक है जो कि इन्हें नेचुरली मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके ये जीव लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। नंबर 9 पर है लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, अगर आपको स्टैच्यू बनने को कहा जाए तो आप बिना हिले कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? हम में से 99% लोग थोड़ी ही देर में हिलने लगेंगे, क्योंकि हम अपनी बॉडी पर इतना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। लेकिन लीफ इंसेक्ट्स एक ऐसा जीव है जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करता। इन्हें देखकर तो कोई भी इंसान धोखा खा जाए कि ये बिल्कुल पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। ये जब भी किसी पेड़ के पत्तों पर बैठे होते हैं तो नॉर्मली लोग इन्हें नहीं पहचान पाते हैं कि ये कोई पत्ता है या कोई जीव। एक्चुअल में ये बहुत से जंगली जानवरों और पक्षियों का फेवरेट फूड है, इसलिए इसे अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा भी खतरा महसूस होने पर ये बिल्कुल स्टैचू बन जाता है, जिससे कि इन्हें कोई देख ना पाए। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनका खाना पीना पेड़ों पर आने वाले फलों से होता है। ये अपनी पूरी लाइफ पेड़ों और पत्तों पर ही गुजार देते हैं। नंबर 8 पर है लीफ टेल्ड गीको। दोस्तों, अगर आप इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाला जीव कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ों पर इस तरह से छिपका है कि इसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। इसे पेड़ पर ढूंढने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए, तभी आप इसे पेड़ पर ढूंढ पाएंगे। ये अजीब सा दिखने वाला छिपकली मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है और ये बहुत से अलग अलग कलर में भी पाई जाती है। ये पेड़ पर लगे सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है, जिससे इसे पेड़ पर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये गीको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। गीको की इसी इनविजिबल पावर की वजह से इसे खाना ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, बल्कि इसका खाना खुद इसके पास चलकर आता है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़ों को इसके ऐसा कलर होने की वजह से ये दिखाई भी नहीं देती, जिससे ये उन कीड़ों का शिकार करती है और अपना पेट भरती है। नंबर 7 पर है पिग्मी सी हॉर्स। समुद्र में जितने भी छोटे क्रिएचर्स होते हैं उन्हें सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा जीव इन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी एक बहुत ही छोटा सा एनिमल है जो कि इतने छोटे होते हैं कि इनका साइज सिर्फ 2 सेंटीमीटर का ही होता है। तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एनिमल्स कितने छोटे होते हैं। ये सी क्रीचर्स जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। ये समुद्र में 10 से 40 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। ये जानवर छिपने में इतना एक्सपर्ट होता है कि इसे इंसान तो दूर जानवर तक नहीं देख पाते हैं। ये अपनी बॉडी का कलर और शेप इस तरह से कर लेते हैं जिस तरह से प्लांट का कलर और शेप होता है। इसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। अगर आप प्लांट्स को हाथ में भी पकड़ लेते हो तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। जब साइंटिस्ट ने इस क्रीचर को ढूंढा था तो उन्हें लगता था कि ये सिर्फ 2 कलर में ही बदल सकता है, येलो विद ऑरेंज और ग्रीन विद रेड। लेकिन 2014 में 2 बेबीज पिग्मी सी हॉर्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया और इन सी हॉर्स को पर्पल सी प्लांट के एक्वेरियम में रखा गया। सरप्राइजिंगली उन्होंने भी अपना कलर पर्पल कर लिया, जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट भी शॉक हो गए। नंबर 6 पर है ईस्टर्न स्क्रीच आउल। ये आउल बहुत चालाक शिकारी है जो कि किसी भी सूखे हुए पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। जब ये किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तब इसके पंखों की वजह से इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर इसे गौर से ना देखा जाए तो इसे कोई देख भी नहीं पाएगा, और यहाँ तक कि इसकी आंखें भी इसके बैकग्राउंड से मैच हो जाती हैं। जब ये इस तरह से किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तो बड़े बड़े बर्ड वॉचर्स भी इसे नहीं देख पाते हैं, और ये आउल सूखे पेड़ पर ही बैठना पसंद करते हैं और उसी पेड़ पर अपना घोंसला भी बनाते हैं। नंबर 5 पर है डेकोरेटर क्रैब। इस केकड़े को स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखने में बिल्कुल भी स्पाइडर की तरह लगता है। ये क्रैब कैलिफोर्निया, थाईलैंड, फिलीपींस, मालदीव्स, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट के हिसाब से ही ये क्रैब बहुत से सी एनिमल्स के लिए एक बहुत ही टेस्टी फूड है, इसलिए इस क्रैब का शिकार करने के लिए बहुत से बड़े से क्रीचर्स घूमते रहते हैं, लेकिन इसकी बॉडी बहुत ही अनम्यूचुअल होती है।
इसके पूरी बॉडी पर बहुत से अजीब से बाल होते हैं, जिसे देखने के बाद कोई इसे पहचान भी नहीं पाता। ये देखने में बिल्कुल एक प्लांट की तरह लगता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देखने का ही प्लांट हो। इनकी मदद से ये क्रैब अपने कलर भी चेंज कर सकता है। जैसे ये किसी प्लांट के पास जाता है, थोड़ी देर के बाद ही ये खुद का कलर उस प्लांट की तरह कर लेता है। इसलिए इस क्रैब को समुद्र में देखना लगभग नामुमकिन है। नंबर 4 पर है द डेविल स्कॉर्पियन फिश। इस फिश को फॉल्स स्टोन फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली देखने में बहुत ही अजीब और डरावनी लगती है। इस मछली की प्रजाति का नाम डेविल है, जिसका मतलब शैतान या डेविल होता है। इस फिश को देखने के बाद इसका फेस बिल्कुल डेविल की तरह लगता है। इस फिश के गायब होने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये फिश जहाँ पर भी बैठी होती है, वहाँ के आसपास का कलर और जहाँ तक कि उस जगह के पैटर्न्स भी अपनी बॉडी पर कॉपी कर लेती है। और इस फिश के शरीर पर दूसरे फिश की तरह ही पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि इसकी सुरक्षा में काम आते हैं। ये खुद को छिपाकर इसलिए रखती है, जिससे कि ये खुद को दूसरे समुद्री जीवों से बचा सके। और जब इसको खतरा महसूस होता है, तो ये अपने कलरफुल फिन्स को निकाल लेती है, जिससे कि शिकारी को डरा कर भगा सके। इस फिश का जहर इतना खतरनाक नहीं होता है कि ये किसी इंसान की जान ले सके। नंबर 3 पर है द बफ टिप मॉथ। दुनिया के सबसे ज्यादा इनविजिबल होने वाले क्रीचर्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका सर बिल्कुल एक कटी हुई लकड़ी की तरह दिखाई देता है, जैसे कि आप इस क्रीचर के वीडियो और फोटोज में देख रहे होंगे। इसे देख के ज्यादातर लोग एक लकड़ी ही समझे होंगे, लेकिन ये कोई लकड़ी नहीं है, बल्कि एक इंसेक्ट है। इसके आगे और पीछे का कलर ही ऐसा है, जिसे देखते हुए लगता है कि ये कोई कटी हुई लकड़ी है। ये ज्यादातर गार्डन्स और जंगल्स में ही पाए जाते हैं, और ये जून जुलाई के महीने में ज्यादा दिखाई देते हैं। ये पूरी सर्दियां किसी पेड़ के अंदर छिपके ही गुजारते हैं। इसके फर भी होते हैं, जब ये अपने फर को खोलता है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 2 पर है द राइट आइड फ्लाउंडर। ये एक फ्लैट फिश की तरह है, जो कि एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट फिश होती है। इस फिश को पानी में तैरते समय इसकी आर पार देखा जा सकता है, और ये फिश ज्यादातर समुद्र के तल में पाई जाती है, इसलिए ये इतनी ज्यादा फ्लैट होती है। और ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ मिट्टी में खुद को भी छिपा लेती है, जिससे कि कोई बड़ा जीव इसे ना देख पाए। इसके ऐसी एबिलिटी की वजह से फ्लाउंडर को देख पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसी की वजह से ये अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ पाती है। जब एक फ्लावर का जन्म होता है, ये खुद ही एक लार्वा होती है, लेकिन एडल्ट एज तक पहुंचते इसका साइज बड़ा हो जाता है। ये समुद्र के तल में तैरते तैरते बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। नंबर 1 पर है ओक लीफ बटरफ्लाई। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे तितलियों को देखा होगा, लेकिन आपने इस इनविजिबल तितली को कभी नहीं देखा होगा। जब आप इसको पहली बार देखेंगे, तो ये आपको सिर्फ एक सूखा हुआ पत्ता लगेगा, क्योंकि ये तितली है ही ऐसी, जो कि देखने पर बिल्कुल एक सूखे हुए पत्ते की तरह लगती है, लेकिन ये बहुत यूनिक और बहुत ही रियल बटरफ्लाई है। इस तितली को जंगल में ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जंगल में पहले से ही बहुत से टूटे हुए पत्ते जमीन पर गिरे रहते हैं, और ये तितली अगर उन पत्तों में बैठ गई, तब तो इसे ढूंढना आपको और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये तितली नेपाल, चाइना, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में भी पाई जाती है। इस तितली के पंख बाहर से तो सूखे हुए पत्ते की तरह लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही कलरफुल और देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इनविजिबल इंसेक्ट्स और एनिमल्स के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। आप सभी को इनविजिबल एनिमल्स में से कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिप एटेक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।